उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस पार्टी बिहार की तर्ज पर गठबंधन का विचार कर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर जयपुर आए कांग्रेस सांसद राजबब्बर ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं के मन में यह विचार बन रहा है कि जिस तरह बिहार में सार्थक विचारधारा का रूप सामने आया है, ऐसी ही विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी जो है एक विचार की पार्टी है, पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है और ये विचार चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार के अंदर ये उस सार्थक विचार का रूप सामने आया है, भाईचारे का रूप सामने आया है, वहां बिहार के अंदर कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू दोनों हारा है। राजस्थान सरकार के सालगिरह पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंत्रियों की पाठशाला लगाएंगे और ये जानेंगे कि आखिर बीते दो साल में उन्होंने क्या किया है। राज्य सरकार के दो साल के जश्न के ठीक दो दिन बाद जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आने का कार्यक्रम है। 15 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक है जिसमें अमित शाह सरकार के कामकाज की जानकारी लेंगे, साथ ही सूबे में नए प्रयोगों पर चर्चा भी करेंगे। बता दें कि 13 दिसंबर को सरकार का दो साल पूरा हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने राज्य सरकार के दो साल होने की पूर्व संध्या पर दावा किया है कि सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश जहां विकसित प्रदेशों की कतार में खड़ा होगा तो वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया भर में विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। परनामी ने कहा कि रिसर्जेंट राजस्थान के तहत जो 3,51,000 करोड़ के विदेशों से एमओयू साइन हुए हैं, इससे इतना पैसा निवेश होगा कि 25 लाख रोजगार बढ़ेंगे और 25 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दो साल के कार्यकाल में राजस्थान निर्माण के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें वैर के गायत्री मंदिर में आयोजित बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही। राज्य सरकार के दूसरी सालगिरह के मौके पर जयपुर में बीजेपी बड़ा जश्न मनाने जा रही है और इस जश्न में अलवर जिले से भी बीजेपी के 35,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शरीक होने जा रहे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की सालगिरह पर बूथ लेवल से लेकर प्रदेश के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों और 26 मंडलों की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंप दी गई है। वहीं कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए जिले से 660 बसें लगाई गई हैं। नंबर को सुबह 10 बजे होने वाली विराट कार्यकर्ता रैली के लिए अलवर जिले से हमारी अपनी योजना और हमारी अपनी उम्मीद से अधिक कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बड़ी बसों में बैठकर, क्योंकि पार्टी का ये निर्देश है, प्रदेश का ये निर्णय है, कोई छोटी गाड़ी में जाएंगे उनकी उपस्थिति पार्टी दर्द नहीं भरेगी। वसुंधरा राजे सरकार के दो साल के जश्न को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। बीजेपी नेता सलावत खां की अध्यक्षता में यह बैठक हुई जिसमें मोर्चे के जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान हर जिलाध्यक्ष को समारोह में लाए जाने वाले अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया। इस दौरान प्रदेश में खाली पड़े राजस्थान हज कमेटी और वक्फ बोर्ड में खाली पड़े पदों पर भी चर्चा की गई, साथ ही सरकार से जल्द इन्हें भरने की मांग की गई। बीजेपी नेता सलावत खान की माने तो समारोह में करीब 25,000 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जो जवाबदारी दी है 13 तारीख को माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से, तो हम आज सभी जिलाध्यक्षों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया है यहाँ और 25 जिलों से ज्यादा लोग आए एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, तो हम सबको धन्यवाद देते हैं कि इतने सर्दी में इतने और तुरंत आए। वो लक्ष्य हजारों की संख्या में माइनॉरिटी के मोर्चे के लोग पूरे राजस्थान से आएंगे और दूरदराज से और जयपुर से काफी संख्या रहेगी लोकल और बाहर से पूरे देश प्रदेश से लोग आएंगे और आईसीवी भूमिका को 13 तारीख का जो प्रोग्राम है, दो साल हो रहे हैं सरकार का और जो माइनॉरिटी के अच्छे काम किए और सभी के काम किए उसको ठेठ तक पहुंचाने का और सभी का लक्ष्य ऐतिहासिक काम किया जाएगा। उधर प्रस्तावित स्मार्ट सिटी को लेकर जयपुर में हाई पावर कमेटी की बैठक हुई जिसमें 4 शहरों के लिए 6,407 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब 15 दिसंबर से पहले इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाना है। बैठक में जयपुर के लिए करीब 2,404 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मरुधरा के 4 जिले जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का प्लान है।
सवाईमाधोपुर में उस्ताद के नाम से पहचाने जाने वाले बाघ T24 को इलाज के बाद वापस रणथंभौर में छोड़ने की मांग तेज होती जा रही है। वन्यजीव प्रेमियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर बाघ T24 को दोबारा रणथंभौर में शिफ्ट करने की मांग की है। वन्यजीव प्रेमियों का आरोप है कि उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मोनू नाम के टाइगर की पहले ही मौत हो चुकी है और अब उस्ताद भी गंभीर रूप से बीमार है, जो कि जिंदगी की जंग लड़ रहा है। आपको बता दें कि बाघ T24 को एक वनकर्मी की मौत के बाद उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया था, जिसके बाद से उस्ताद बीमार है। सवाई माधोपुर रणथंभौर अभ्यारण्य से 16 जून को वन विभाग ने, यहाँ के कुछ नेताओं ने, होटलियर्स ने मिलकर के वन विभाग का जो अपने रणथंभौर का एक बहुत अच्छा जो बाघ है, जिसकी बहुत ज्यादा साइटिंग होती थी, बहुत प्रसिद्ध बाघ T24 नाम से, उसको जबरन उठा के पटक दिया, उसको वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं, तुरंत वापस लाया जाए। कोटा में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना कुमारपुरा इलाके की है, जहां दीपक नाम के छात्र ने खुदकुशी कर ली। दीपक नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। छात्र की खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचे तो कुंडी अंदर से बंद थी। कुंडी को तोड़कर अंदर गए तो ये छत कड़े से लटका हुआ था और रस्सी को काट के और इसको एम्बियंस लाए, मोर्चरी में सेट कराया। इसके परिजन आ गए। इसके जलवार में बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने बच्चे के साथी पर बाइक की लालच में हत्या का आरोप लगाया है। मामला फौजलपुरा गांव का है, जहां 12 साल के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त सोनू बंजारा के रूप में हुई है, जो कि आखिरी बार अपने साथी के साथ दिखा था। परिजनों का आरोप है कि सोनू की नई बाइक की लालच में उसी के साथी ने सोनू की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक बाइक लेकर फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो आ रहे थे झालावाड़ के लिए कोटड़ा से। कौन कौन? उदय लाल जी ने उनका बच्चा सोनू और दोनों नई मोटरसाइकिल थी। उसके बाद में ध्रुवपुर आकर पेट्रोल डलवाया रंगलाल की दुकान पर। ठीक है। इतना में तो रंगलाल का लड़का ने बोला कि बाबा तुम झालावाड़ जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। ठीक है। तो चलो साहब, अब लेकर आ गया। उसके बाद में झालावाड़ से वो तो है जो निकल गया और वो रंगलाल का लड़का रिंकू और वो बच्चा जो दोनों झालावाड़ से आपस ले गया, छोरे की हत्या कर दी। उनके जंगलों में कल एक बालक की लाश मिली थी, आज उसकी शिनाख्त सोनू सनोफ उदाराम निवासी कोटड़ा के रूप में हुई है। उसके परिवारजन राकेश उर्फ रिंकू निवासी दुर्गपुरा का है, उस पर संदेह जता रहे हैं कि उसने ये हत्या की है। दौसा में दोस्तों के बीच हुई झड़प में एक युवक की जान चली गई। हमले में घायल दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना दौसा ट्रक यूनियन के पास का है, जहां 9 दोस्त एक होटल में खाना खा रहे थे। इसी दौरान नशे में धुत युवकों की आपस में कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो नौबत मारपीट तक जा पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमले में घायल दो युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक को इलाज के लिए जयपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम में कल रात्रि को वहाँ पर किसी बात को लेकर आपस में इनके झगड़ा हुआ था। उनमें से कुछ आरोपियों को हमने राउंड अप कर दिया है। मृतक के परिवार यहाँ उपस्थित हैं, पोस्टमार्टम करवा दिया है। हमने घटना के सामने रिपोर्ट पेश कर दी है और तफ्तीश के अनुसार किस तरह का मामला लग रहा है, मर्डर हुआ है। बूंदी के हिंजौली वन विभाग क्षेत्र में खिनिया वन नाके के प्लांट में दो चौकीदारों पर जानलेवा हमला किया गया। 6 लोगों ने लाठियों से पीटकर चौकीदारों को घायल कर दिया। हमले में घायल दोनों चौकीदारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बताते कि जब दोनों चौकीदार भैंसों को प्लांट से बाहर निकाल रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर जानलेवा हमला बोला और पिकअप में भैंसों को भरकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल चौकीदारों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
खेतड़ी के जाटवास गांव में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। तीन लोगों पर छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। घटना 4 दिसंबर की रात की है, जब दो बाइक सवार तीन लोगों ने छात्रा को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे गांव के ही स्कूल के पास से छोड़कर फरार हो गए। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है। फिलहाल पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खेतड़ी में तीन दिन में गैंगरेप की दूसरी घटना है। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में एक कार्यक्रम से पहले जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ। दरअसल स्वास्थ्य भवन में तैनात गार्ड्स ने वहां गाड़ी लगा रहे युवक को पहले बेरहमी से पीटा और फिर गाड़ी की चाबी भी छीनी। मारपीट को देकर वहां लोगों की भीड़ लग गई। आरोप है कि गार्ड ने बीच बचाव करने आए लोगों और मीडिया के साथ भी बदसलूकी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। फतेहपुर में इस वक्त गुंडा राज की तस्वीर सामने आई, जब कुछ उत्पाती युवकों ने सरे बाजार में दुकानदारों से मारपीट करने लगे। छोटी इसी बात पर बड़ा बवाल हुआ। ये बात सिर्फ इतनी थी कि बाजार के बाहर खड़ी गाड़ी को एक दुकानदार ने बाजार के अंदर ले जाने से मना किया, जिस पर बोलेरो सवार 4-5 युवकों ने दुकानदारों के साथ हाथापाई ही नहीं की बल्कि बाजार को जलाने की धमकी भी दी। काफी हंगामे के बीच विरोध स्वरूप बाजार बंद कर दिया गया। मौके पर पुलिस के पहुंचने के बाद कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया। अब दुकानदारों की मांग है कि युवकों पर कड़ी कार्रवाई के साथ बाजार की सुरक्षा के लिए प्रशासन अहम कदम उठाए। कोचा के लोगों की सेहत खतरे में है। इलाके में केमिकल मिले पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। रायपुरा इलाके में नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इस नाले में फैक्ट्रियों का कचरा, स्टोन की स्लरी और केमिकल मिले पदार्थ बहाए जाते हैं, जो कि सब्जी के माध्यम से लोगों के शरीर तक पहुंच रहे हैं। सब्जी व्यापारी थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। बीजेपी सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं नागौर जिले में कई ऐसे काम हैं जो बजट के अभाव में विकास की राह देख रहे हैं। जिले के खीरसर और मौलासर पंचायत समिति का खुद का भवन नहीं है। पंचायत समिति का कार्यालय स्कूल में संचालित हो रहा है। बताया जा रहा है कि बजट के अभाव में भवन निर्माण का काम अटका पड़ा है। वहीं खीरसर में करीब 40 पद रिक्त होने की वजह से विकास की योजनाएं ठप पड़ी हैं। सिरोही में बदहाल सड़क लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। 2 साल पहले करोड़ों की लागत से बनी इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए। मामला पाड़ी कालंद्री रोड का है, जो कि बदहाल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण के दौरान जमकर धांधली हुई, काम की मॉनिटरिंग नहीं की गई, जिसका नतीजा ये है कि बनने के महज 2 साल बाद ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई। अधिकारियों से बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सिरोही में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जिस वजह से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही। सर्दी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ गया है। ओपीडी में मरीजों की कतार लगी है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स के 44 पद स्वीकृत हैं, लेकिन महज 14 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 5 छुट्टी पर हैं। डॉक्टर के ना मिलने की वजह से कई मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। जयपुर में अमृत कक्ष के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य भवन पहुंचे चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां उन्होंने स्वास्थ्य भवन में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल मंत्री राठौड़ ने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में फैली फाइलों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि फाइलें सही क्रम में नहीं रखने से जरूरत के वक्त पर नहीं मिल पाती हैं, जिससे परेशानियां पेश आती हैं। चुरू में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जोधपुर डिस्कॉम को हर साल करोड़ों की चपत लग रही है। निगम के आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में 10,398 ट्रांसफार्मर जले हैं, जिससे निगम को 14,55,72,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें से 6,89,22,000 रुपए की कीमत के 4,923 ट्रांसफार्मर गारंटी की अवधि में ही जल गए। खरीद के वक्त सही तरह से ट्रांसफार्मर्स की जाँच न होने की वजह से निगम को ये नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पावल शहर में ग्वार की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। ग्वार के भाव में भारी गिरावट की वजह से किसानों का खेती से मुंह भंग हो रहा है। साल 2011-12 में ग्वार का भाव 30,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि अब घटकर महज 3200 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। यही वजह है कि किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अब ग्वार की खेती छोड़कर देसी कपास और खेती के दूसरे विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं। डिस्कॉम ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग पर आंदोलनरत 36,000 तकनीकी सहायक मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले होने वाली इस हड़ताल की तैयारी पहले ही कर ली गई थी, लेकिन डिस्कॉम प्रबंधन को कुछ दिनों का समय दिया गया था, जिसकी मियाद पूरी होते ही एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा कर दी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि गृह विभाग ने उसकी प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए ही रेसमा लगाया है, लेकिन वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। अजमेर जिले के नवाब गांव के एक परिवार और कुछ गांव वालों ने सजरा की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार और गांव वालों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सजरा के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, जिससे बुजुर्ग विधवा का काम 2 साल से ज्यादा से अटका पड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कई बार ग्राम पंचायत के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलने पर मजबूर होकर कलेक्ट्रेट पर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। खबर अजमेर से, जहां के राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने 31 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्राचार्य द्वारा छात्राओं का ज्ञापन फाड़ देने से गुस्साई छात्राओं ने कॉलेज बंद करवाकर सड़क पर जाम लगा दिया। इनका कहना था कि वो महज कॉलेज में कई संकायों में खाली लेक्चर के पदों पर लेक्चर नियुक्ति की मांग कर रही थी, जिस पर प्राचार्य ने उनसे बदसलूकी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें अपमानित किया, जिससे आक्रोशित होकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। मौके पर महिला जाप्ता को बुलाया गया, उन्होंने हल्का बल प्रयोग कर छात्राओं को हटाकर जाम खुलवा दिया। राजस्थान लेबोरेटरी एसोसिएशन 8 दिसंबर से शुरू होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई है। प्रदेश लेबोरेटरी एसोसिएशन के प्रवक्ता महेश कुमार सैनी ने कहा है कि आंदोलन और आंदोलन से अलग होगा। इस आंदोलन में लैब टेक्नीशियन 72 घंटे काम करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर कई बार विरोध जाहिर किया जा चुका है, लेकिन हर बार आश्वासन भी मिला है। वहीं लैब कर्मचारी की मांगों पर चिकित्सा मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगतियों को लेकर आ रही समस्याओं पर सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। आईएनसी की मान्यता नहीं मिलने से नाराज नर्सिंग छात्रों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म हुआ। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि आईएनसी की मान्यता और बिना मान्यता के चल रहे प्रशिक्षण केंद्रों की शिकायतें मिली हैं। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में अभ्यर्थी डिग्री लेने के बाद भी नाखुश नजर आते हैं और नौकरी के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है, लिहाजा इन समस्याओं को लेकर जल्द ही अब एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2016 की योग्यता सूची बगैर किसी बदलाव के जारी करने का फैसला लिया है। अजमेर में बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी की अध्यक्षता में बोर्ड प्रबंध मंडल की बैठक में फैसला लिया गया। चौधरी ने बताया कि एसओजी की जांच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाए जाने के रिपोर्ट के आधार पर 10वीं की योग्यता सूची को यथावत जारी करने का फैसला लिया गया है। और अब खबर मेड़ता सिटी से, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। क्रिकेट पर लाखों के सट्टे लगाने वाले को अपने कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दिया। पुलिस ने 35,000 रुपए के साथ 3 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है, साथ ही 10 मोबाइल और एक कंप्यूटर को जब्त किया है। इसके अलावा करीब 25 लाख रुपए का हिसाब भी मिला है। सट्टेबाज दक्षिण अफ्रीका के मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पकड़े गए सट्टेबाज मेड़ता सिटी के अलावा जिले के अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। तीन दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष योग्यजन के लिए सरकारी भवनों को सुगम बनाने के कवायद के तहत प्रदेश में 100 सरकारी भवनों को चिन्हित कर इसकी सूची केंद्र सरकार के पास भिजवा दी गई। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी की माने तो इस अभियान के तहत केंद्र से मिलने वाले फंड से सरकारी इमारतों को डिजाइबिलिटी फ्रेंडली बनाया जाएगा, तो वहीं सरकारी भवनों को निशक्त जनों के लिए सुगम बनाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 3 तारीख को की है, उससे पहले हमने इसकी तैयारी राजस्थान में शुरू कर दी थी। हमने एक मीटिंग पहले भी ले चुके हैं, इसमें जेडीए, रेलवे, रोडवेज, बाकी सरकारी वहाँ पीडब्ल्यूडी, इन सबको भी बुलाया था। उन्होंने कहा था कि 100 बिल्डिंग स्टार्ट है,
सरकारी बिल्डिंग जिनको हम सुगम कर सकें, जितने भी विशेष योग्यजन उनके लिए सूची हमारा आ चुकी है, केंद्र सरकार के पास भेज दिया। मुझे लगता है जैसे भी पैसा आएगा, हम चाहते हैं कि इन सब बिल्डिंग्स को डिसेबिलिटी फ्रेंडली किया जाए। जयपुर के रविन्द्र मंच सभागार में राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन समारोह आयोजित किया गया है। इसका शुभारंभ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने किया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन और क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया, तो वहीं 13 श्रेणियों में करीब 22 विभूतियों को प्रशस्ति पत्र और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। तरह की चुनौतियों के बाद भी जो लोग अपनी प्रतिमाओं को दिखा रहे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में होगा, स्वास्थ्य में होगा, या वो सामाजिक संस्थाएं जो विशेष रूप से इन लोगों के लिए काम कर रही हैं, उनको हम प्रोत्साहित करने का भाव रहता है। बाकी समाज भी खड़ा हो और इस तरह के जो लोग हैं वो भी माने कि और बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में हम अपनी प्रतिमाओं को निखार सकते हैं। जयपुर मेट्रो की ओर से योग्यजन के लिए किए गए नवाचार के लिए मेट्रो को राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार से नवाजा गया। मेट्रो को यह पुरस्कार जयपुर के रविन्द्र मंच पर आयोजित विशेष योग्यजन निदेशालय की तरफ से दिया गया। मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने सभी को पुरस्कृत किया। अगर नए साल में आपको राजधानी की किसी सड़क पर जिम, डांस, नाटक, पेंटिंग, स्केटिंग, क्रिकेट, योगा, ऐसी तरह की दूसरी कोई एक्टिविटी देखे तो आप चौंकेगा नहीं। जी हां, ये राहगीरी का कमाल है। राहगीरी एक अभियान है जो सरकारी स्तर पर दिल्ली के बाद अब जयपुर में भी कराए जाने की तैयारी है। सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी के अनुसार ये कार्यक्रम उन विशेष योग्यजन के लिए होगा जिनमें प्रतिभाएं हैं, दूसरे क्षेत्रों के प्रतिभावान लोग इसमें शामिल हो सकेंगे। ब्लॉक करके हम आसपास समाज के बड़ी संख्या में लोग आएं, इनको प्रोत्साहित करें और करने के बाद हम कहीं ना कहीं, चाहे वो म्यूजिशियन हो तो अपनी परफॉर्मेंस दें, कोई क्रिकेट खेलता हुआ दिखेगा, कोई आपको फुटबॉल खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा, कोई गाना गाएगा, अलग अलग जितनी प्रतिभाएं उनका प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा।